क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल में भी कई बार ऐसा हुआ है जब जीते हुए मैच को विपक्षी टीम ने छीन लिया। ऐसा ही कुछ हुआ आईपीएल के 29वें मैच में जब गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को अंतिम गेंद पर 3 विकेट से हरा दिया। देखिए हमारी रिपोर्ट। गुजरात टाइटंस की धमाकेदार जीत, रोमांचक मुकाबले में चेन्नई को 3 विकेट से हराया। डेविड मिलर ने खेली 94 रन की विस्फोटक पारी। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए किलर बने मिलर। मिलर ने ताबड़तोड़ 8 चौके और 6 छक्के लगाए। राशिद ने भी 40 रन की तूफानी पारी खेली। दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर ने एक बार फिर साबित कर दिया उन्हें क्यों किलर मिलर कहा जाता है। डेविड मिलर की तूफानी पारी की बदौलत आईपीएल की नई नवेली गुजरात टाइटंस ने 4 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के जबड़े से जीत छीन ली। दरअसल गुजरात को मैच जीतने के लिए 171 रन का लक्ष्य मिला था, लेकिन गुजरात की शुरुआत काफी खराब रही और सिर्फ 2 रन पर ही गुजरात ने अपने 2 विकेट गवा दिए। इसके बाद भी छोटे छोटे अंतराल पर विकेट गिरते रहे। गुजरात ने 87 रन के स्कोर पर 5 विकेट गवा दिए थे और हार टीम के सिर पर मंडरा रही थी, लेकिन मिलर और राशिद खान ने हार नहीं मानी और 6वें विकेट के लिए 37 गेंदों में 70 रन जोड़कर मैच की तस्वीर को ही बदल दिया। डेविड मिलर ने 51 गेंदों में 8 चौके और 6 छक्के की मदद से ताबड़तोड़ 94 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।